को पकड़ लिया सेट पर ही। फास्ट मत जाइए ए पार्टनर, ये धनिया खा ला। उस वक्त मैं भोजपुरी को बड़े हेय दृष्टि से देखता था कि ये भोजपुरी है कैसा। अभी हम लव श्री मूवी के सेट पर मौजूद हैं और हमारे साथ जो चेहरा देख रहे हैं किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इनका नाम संजय महानंद जी है और ये बता दे एक और नाम से प्रसिद्ध है, गोधना। आपको पता है कि गोधना सा नाम से पूरे ऑल ओवर बिहार और यूपी में प्रसिद्ध है। बाकी आज हम इनको पकड़ लिया सेट पर ही। बाकी जो कॉमेडी होगा इस लाइव में और इंटरव्यू में होगा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके न्यूज़ चैनल को और मेरे आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी चाहने वालों को कर जोड़ कर प्रणाम करता हूं। आप सबका प्रेम स्नेह बना रहे और हम जीते रहें, दुआ करें ताकि हम जब तक जीते रहें आप सबका मनोरंजन करते रहें। अच्छा, कैसा लग रहा है लव श्री में काम करके मूवी में? देखिए, सिनेमा तो मेरा पैशन है और मैं इसी के लिए जीता हूँ जी। तो मैं हर काम को बड़ा एंजॉय करता हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है जी। आपका सवाल ये होना चाहिए कि आपको बिहार में आकर कैसा लग रहा है क्योंकि होगा अभी तो शुरुआत हो रहा है, अभी पूरा शुरुआत हो रहा है। तो बहुत बहुत मज़ा आ रहा है और अच्छा लग रहा है। नए लोग हैं, नई टीम है जी। लेकिन वही कहते हैं ना कि हर व्यक्ति को सीखने और आगे बढ़ने का अधिकार है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जो न्यू कमर हैं उनमें बहुत ऊर्जा है और उनकी ऊर्जा से मैं अपने ऊर्जा को मैच करते हुए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं जी। और उम्मीद है कि कुछ अच्छा बनेगा। लव श्री मतलब लव पूरा फैल जाएगा। हाँ, अच्छा पहले हम चलते हैं आपके पास्ट में। पास्ट में चलते हैं। पास्ट मत जाइए तो बहुत कुछ थोड़ा सा चलेंगे। पहले बताइए आपको किससे मतलब क्यों चाहते थे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करें? देखिए, ये भाग्य का चक्र मान लीजिए आप, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि भोजपुरी में करना है या भोजपुरी में कभी प्रसिद्ध होना है, नाम कमाना है, फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनानी, मैंने कभी नहीं सोचा था जी। आज आपके चैनल के माध्यम से एक सच्चाई बता रहा हूँ। मैं छत्तीसगढ़ में शोज़ करता था जी। बहुत वहाँ सिंगिंग करता था, तो बहुत पहले की बात है, मतलब आज समझ लीजिए कि आज से 15-20 साल पहले की बात है, 20 साल पहले। तब उस वक्त हम भोजपुरी को सिर्फ कुछ जो बल्गर गाने आते थे उससे ही मापते थे कि भोजपुरी मतलब ये है। तो उस वक्त मैं भोजपुरी को बड़े हेय दृष्टि से देखता था क्योंकि गाने ऐसे सुनने मिलता था हमको। हम कभी कल्पना जी को, शारदा जी को, इनको कभी नहीं सुने थे। हमको गुड्डू रंगीला सुन रहे हैं तो, या उस तरह के जो गाने सुनते थे और उन्हीं तरह के दर्शकों का बहुत ज़्यादा वो था, तो लगता था कि ये भोजपुरी है कैसा है। जब हमारे पास डिमांड आता था स्टेज में तो हम बड़े गरिया के बोलते थे कि यार क्या भोजपुरी भोजपुरी कर रहे हैं, कोई भोजपुरी नहीं होगा यहाँ पे। अच्छा, तो वो मानसिकता थी हमारी। लेकिन बोलते हैं ना कि भाग्य आपको कहाँ लेके जाएगा और कब क्या होगा जी। तो जब 2001 के बाद हम सिनेमा शुरू किए और 2010 में 11 में बॉम्बे आया जी। बॉम्बे आने के बाद जब भोजपुरी फिल्म मुझे मिली पहली जी। निरवा मूवी कौन सा था? निरवा हिंदुस्तानी। अच्छा, उससे पहले किया था मैं, लेकिन फिर वो ब्रेक हो गया था एक फिल्म। लेकिन निरवा हिंदुस्तानी मेरी एक बड़ी फिल्म थी। उस फिल्म को करने के बाद मैं भोजपुरी से और नज़दीकी मेरी बड़ी, मैं बहुत क्लोज हुआ, लोगों को समझने का अवसर मिला, गीत संगीत को सुनने का अवसर मिला, सिनेमा को देखने का अवसर मिला। तो मुझे लगा कि मैं एक जो औरा बना के चल रहा था अपने दिमाग में भोजपुरी को लेके, वो गलत था। तो मेरा वो एक वो जो छवि थी वो टूटा और मैं भी क्लियर हुआ। उसके बाद मैंने बहुत सारे संगीत सुने तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा है, हमने गलत सिर्फ एक चीज़ को सुनकर उसको एक अवलोकन कर लिया था। तो अब मुझे बहुत अच्छा लगता है और अब मैं भोजपुरी परिवार का हिस्सा हूँ और मुझे गर्व है इस पे। अब तो पूरे यूपी बिहार जानता है, यूपी बिहार ही नहीं बल्कि मैं कहूँ तो यूपी भोजपुरी के माध्यम से ऑल में जो जो जानता है वो आपको इंडिया, ऑल वर्ल्ड, मैं जहाँ जहाँ गया हूँ इंडिया से बाहर भी तो भोजपुरी के देखने और चाहने वाले हैं और मेरे भी चाहने वाले हैं भोजपुरी के माध्यम से। तो ये भोजपुरी का बड़ा उपकार है मुझ पे। और एक बात और बता दे, जब इनको देखे यार तो हम तो फिल्म में देखा करते थे लेकिन आज हकीकत मुलाकात हुई तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि चलिए आज मेरा भाग्य सौभाग्य कि आज इनका इंटरव्यू हम ले रहे हैं। अरे ऐसी क्या बात है भैया, छोटा सा जीवन है और आज के हम बार बार मिलते रहेंगे, बार बार मिलेंगे और मिलते रहेंगे। चलिए अब कुछ कॉमेडी के बारे में बात किया जाए। कॉमेडी के बारे में बात नहीं की जा सकती, कॉमेडी तो देखा जा सकता है। अच्छा। और कॉमेडी का आनंद लेना तो आपको मेरी फिल्म देखनी होगी, क्योंकि मैं अगर रियल लाइफ कहेंगे तो थोड़ा गंभीर हूँ, स्क्रीन में मैं थोड़ा सा एक्शन में आ जाता हूँ और स्क्रीन का एक्शन सुनते ही हमारे अंदर एक अलग संजय महानंद पैदा हो जाता है।
तो अभी आप कहेंगे कॉमेडी करने के लिए, तो मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। अब मैं चाहूंगा कि दर्शक को मेरा कॉमेडी देखने के लिए सिनेमा ही देखे और लव श्री तो जरूर देखे। लव श्री में क्या क्या दिखाइएगा? लव श्री में हम लोग एक बहुत अच्छे ही हम लोग की ट्यूनिंग है, सीपी भाई हैं, सीपी भट्ट जी बहुत सीनियर मोस्ट कलाकार हैं, उनकी हमारी और हमारे मित्र हैं भाई पांडे जी, तो एक अच्छी टीम है और हम लोगों की बॉन्डिंग पूरी फिल्म में आपको बहुत हंसी आएगी, गुदगुदाएगी। नए कलाकार लोग भी हैं तो जिनसे अभी रूबरू नहीं हुआ हूँ, जिनके नाम से भी परिचित नहीं हूँ मैं, तो इसलिए उनके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मज़ा आ रहा है और मुझे उम्मीद है कि लव श्री में भी कॉमेडी का जो तड़का आप देखेंगे फुल एंटरटेनिंग होगा, फुल पैसा वसूल होगा, एकदम मजा, गर्दा गर्दा मच जाएगा, गर्दा एकदम गर्दा गर्दा उड़ा दे। सोचने वाली कोई बातें नहीं, सोचने वाली बात नहीं है, बस इंतजार करिए लव श्री का। और हम सब से रिक्वेस्ट करेंगे हमारे सभी दर्शकों से कि लव श्री फिल्म जब भी आए आप सभी जरूर देखें, और थिएटर में लगे तो पहले थिएटर में देखें, यूट्यूब में आने का इंतजार बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि यूट्यूब हमारे भैया लोग यूट्यूब के बहुत बड़े माहिर लोग हैं, और लेकिन सिनेमा को हमारा नुकसान होता है, तो आप सबसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत करके हमारे निर्माता निर्देशक फिल्में बनाते हैं, आप सब बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत बड़ा परिवार है भोजपुरी का, तो आप सबसे आग्रह करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि भोजपुरी सिनेमा को आप सब सिनेमा हॉल में ही जाकर देखें और हमें और ऊर्जा दें ताकि हम और लगातार भोजपुरी फिल्में बनाते रहें। लव श्री मूवी का आप लोग बहुत ज़्यादा से प्यार आशीर्वाद दीजिएगा, काहे कि पता है कौन है इस मूवी में, बाकी और सीबी भट्ट जी भी है और ये भी है, मतलब फुल कॉमेडी है, फुल संस्कार के साथ, पूरे लव के साथ, मतलब पूरे परिवार देख सकते हैं इस मूवी को। पारिवारिक फिल्म है और एक प्रेम स्टोरी है भाइयों की और दो दोस्त हैं, तो बड़े अच्छा आनंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा। और हमारे मयंक जो निर्देशक हैं इसके और हमारी जो निर्मात्री हैं ज्योति तिवारी जी और मयंक भाई हैं डायरेक्टर हैं, उनकी पहली फिल्म है ये एज ए डायरेक्टर, बड़ी फिल्म है, तो उससे पहले हम मयंक और हम लोगों ने काफ़ी पहले काम किया है, तो हम सबको सपोर्ट कर रहे हैं उनको, और अच्छा है, उनका भी टैलेंटेड है बंदे हैं, तो हमारी शुभकामनाएं हैं उनको और पूरी लव श्री के पूरे परिवार को, पूरे कलाकारों को। चलिए, मेरे न्यूज चैनल के माध्यम से और जितने भी ऑडियंस हमारे देख रहे हैं, आपके लव फिल्म में बहुत बहुत बधाई रहेगा। धन्यवाद, धन्यवाद आपका भी। चलिए, अब थोड़ा सा एक दो कॉमेडी के लोग इंतजार कर रहेंगे कि आप गए तो कॉमेडी जरूर नहीं पूछे, एक कॉमेडी दो कॉमेडी आप सुना दीजिए। ये जो आप खेसारी जी के साथ थे, एक मूवी था उसमें आप, अच्छा एक सीन मुझे याद आ रहा है, हालांकि क्या होता है मेरे साथ कि मैं सीन फिल्म करने के बाद भूल जाता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा था कि बेटा जब तक भूलोगे नहीं पिछला तो नया कुछ कर नहीं पाओगे, तो इसलिए भूलता याद नहीं रखता उसको। तो इसलिए एक सीन है मेरा कि जब हम खेसारी जी हम मेहंदी लगा के रखना में दारू पी के आते हैं तो वो जाते रहते हैं, तो मैंने कहा ए पार्टनर ये धनिया खाला, ये कह रहे ये धनिया खाइला के बाद कन्या के भी पता ना चली कि मरद का पी के आयल बिया, तो बाबू जी के का घंटा पता चली जो अच्छा एक मछली मारना भी कला है, मछली पकड़ना भी एक कला है पार्टनर, और फिल्म देखना भी एक कला है, सिनेमा जरूर देखिए भोजपुरी सिनेमा थिएटर में। अच्छा, एक हीरोइन से आप लोग जय मिलने कोरिया का जब आप लोग रोल किए थे तो गाना बड़ा अजीब आप गाए थे, जब खेसारी जी बोले अरे पिटवा दोगे आप। अच्छा, मुलाकात में क्या उस समय तो आप लोग पिटाई उटाई तो हुआ नहीं? पिटाई भी हुआ, वो गाना हम कुछ अजीब ही गा रहे थे, तो फिर वो दोस्त ने कहा अरे एका गा रहे हो बे, अच्छा गाओ बस और कहीं करवा लीजिएगा, है बिना पैसा दिए एक्टिंग कराएंगे ये बताइए। बाकी आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर पूरा पूरा फुल कॉमेडी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर पूरा दर्शक चाहेंगे कमेंट में बताएंगे तो क्या कॉमेडी होगा पूरा। हाँ, पैसा देंगे तो मैं करूंगा। अच्छा, पैसा से? बिना पैसा नहीं, बिना पैसा कॉमेडी नहीं होगा, बातचीत होगी, बातचीत। हाँ अच्छा, तो कैसे, तो आपको कैसे हम पेमेंट करवाएंगे? आजकल फोन पे है मेरा। अच्छा, फोन पे फोन कैसे दिलवाएंगे हम? बताएंगे आपको, नंबर नंबर बताइएगा तब ना एग्रीमेंट होगा, तो अभी तो जग जाहिर कर दीजिएगा नंबर, पता चला सारे लोग पैसा दे रहे हैं। आप ही ले दीजिएगा कि सबसे दर्शक से लीजिएगा, सब कोई देगा, सब कोई आपको प्यार करता है तो सब कोई दे देगा, दर्शक तो आपका यूट्यूब सब्सक्राइब करके हो जाएगा, पैसा हम आपसे लेंगे। बिल्कुल हमसे लीजिएगा, बिल्कुल हम देंगे। बाकी लास्ट में क्या कहिएगा मेरे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से हम तक न्यूज़ के हमारे सभी चाहने वाले देखने वाले दर्शकों से मैं आग्रह करूंगा कि आप सब
हमारे भैया के चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए और बने रहिए हमारे भैया के साथ, हम लोग मिलते रहेंगे। चलिए, मेरे प्रयास सर के साथ कैसा रहा है, गुदना जी के साथ कैसा रहा है, संजय महानंद जी के साथ कैसा रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद। हम तक न्यूज़, बिहार का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज़ चैनल।